दोस्तों बीपीएससी सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पीटी का एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं, आज के डेट का नोटिस है 22 सितंबर 2021। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और अब परीक्षा कब तक ली जाएगी इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही 67वीं बीपीएससी का एग्जाम डेट जो निर्धारित है 12 दिसंबर 2021, तो क्या इस एग्जाम डेट को भी स्थगित किया जाएगा? अगर स्थगित किया जाएगा तो कब तक परीक्षा ली जाएगी? चलिए सबसे पहले आप नोटिस देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना, आयोग के विज्ञापन संख्या 03/2021। सीडीपीओ की जो वैकेंसी आई थी विज्ञापन संख्या 03/2021 के अंतर्गत, इसमें पोस्ट की संख्या कम ही है, 55 टोटल पोस्ट है और इसमें 180,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। टोटल 55 पदों के लिए 180,000 कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को निर्धारित की गई है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के कारण उक्त तिथि को यह परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षा आयोजन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीडीपीओ का एग्जाम डेट स्थगित किया गया, इसके अलावा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का भी एग्जाम डेट स्थगित किया गया और भी पोस्ट का 17 सितंबर को 2 नोटिस जारी किया एग्जाम डेट स्थगित से संबंधित। और आज सीडीपीओ का भी एग्जाम डेट पंचायत चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब यह परीक्षा कब तक ली जाएगी? तो बिहार में पंचायत चुनाव का जो लास्ट चरण है 12 दिसंबर 2021 को। पहले अनुमान यही था कि जब अगस्त में एग्जाम डेट घोषित किया गया था बीपीएससी 67वीं का, तो उस समय अनुमान यही था कि लास्ट नवंबर तक पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा। और बिहार में बहुत सारे जिला बाढ़ से प्रभावित रहने के कारण से पंचायत चुनाव को थोड़ा देरी से शुरू किया गया है और इसी कारण से पंचायत चुनाव का जो चरण है 12 दिसंबर 2021 तक चला गया। तो बीपीएससी का डेट पहले ही घोषित किया गया था और बाद में पंचायत चुनाव का अधिसूचना जारी किया गया था, तो इसलिए 12 दिसंबर का डेट रखा गया था। तो अभी जो 67वीं बीपीएससी का जो डेट है 12 दिसंबर 2021, इस डेट में आप बिल्कुल भी परीक्षा नहीं होगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि सीडीपीओ में मात्र 180,000 कैंडिडेट है, फिर भी यहां पर एग्जाम डेट स्थगित करना पड़ा है। और बीपीएससी 67वीं में इस बार टोटल 6 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, तो 6 लाख कैंडिडेट का यहां पर एग्जाम लेना संभव नहीं है। और उसी डेट में 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव भी है, जिस भी जिला में उस डेट में पंचायत चुनाव रहेगा वहाँ पर तो बिल्कुल भी एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो दो डेट में बिल्कुल भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इस एग्जाम को स्थगित ही किया जाएगा जिस तरह से बाकी अन्य पोस्ट का एग्जाम स्थगित किया गया। इसलिए अब 67वीं बीपीएससी का भी एग्जाम बिल्कुल स्थगित होगा और सीडीपीओ का स्थगित कर ही दिया गया। अब परीक्षा कब से ली जाएगी? तो 12 दिसंबर 2021 को पंचायत का लास्ट चरण है और जो भी जिला में यहाँ पर 12 दिसंबर को चुनाव होगा, 2 से 3 दिन के बाद इस बार ईवीएम पे चुनाव हो रहा है, तो 15 दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब जो अगला रविवार आप देखिएगा, 12 के बाद है 19 तारीख को रविवार है, इसके बाद 26 तारीख को है। तो 26 को पहली डेट आ गया दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट का, इसमें 7 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया। अब 19 को बचा हुआ है, तो सबसे पहले सीडीपीओ का एग्जाम लिया जाएगा। तो सीडीपीओ का बहुत ज़्यादा चांस है कि 19 दिसंबर को ही डेट रखा जाएगा अगर कोई अन्य पोस्ट का एग्जाम नहीं होता है, तो 19 को डेट रखा जाएगा। इसके बाद अगला रविवार है 2022 में। अब यहाँ से 2022 जनवरी आ गया, 2022 में देखिएगा तो 2 तारीख को रविवार है, इसके बाद 9 तारीख को रविवार है, इसके बाद 16 को है। तो बीपीएससी 67वीं का जो डेट रखा जाएगा या तो 9 जनवरी को रखा जाएगा या फिर 16 जनवरी को, इसी डेट में से किसी एक डेट में लिया जाएगा। सीडीपीओ का बहुत ज़्यादा चांस है 19 दिसंबर को ही एग्जाम ले लिया जाएगा। अगर आप पिछली बार का देखिएगा 2020 में, तो 2020 में भी इसी तरह से हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव के कारण से सभी एग्जाम को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद नवंबर से शुरू हुआ था, 29 नवंबर 2020 को दरोगा का मेन्स एग्जाम, फिर 6 दिसंबर को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लिया गया था, इसी तरह से 13, 16, 20 सभी रविवार को कोई ना कोई पोस्ट का एग्जाम था, 25 तारीख को बिहार एसएससी का मेंस और 27 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम लिया गया था, 27 दिसंबर 2020 को 66वीं का मेंस लिया गया था। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, पंचायत चुनाव के कारण सभी एग्जाम को स्थगित किया गया। इसके बाद एग्जाम शुरू होगा तो दिसंबर में यहाँ पर 19 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएगा, 19 दिसंबर से। इसके बाद हर रविवार को कोई ना कोई पोस्ट का एग्जाम होगा। एक और आप जरूरी बात ये समझ लीजिए कि फरवरी में कोई भी एग्जाम नहीं जाएगा, जो भी एग्जाम है सभी को जनवरी लास्ट तक ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि फरवरी में बोर्ड का एग्जाम रहता है, 10th 12th का एग्जाम रहता है, 10वीं 12वीं का, तो इस कारण से इसमें कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है। और इसके बाद मार्च में ही एग्जाम लिया जाता है, तो जो भी बीपीएससी है या फिर सीडीपीओ है, दरोगा है, बिहार पुलिस फायरमैन है, जितने भी एग्जाम है सभी को जनवरी 2021 में ही खत्म कर लिया जाएगा। और जिसमें ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ, जैसे हो गया सीडीपीओ में 1,80,000 है और 67वीं बीपीएससी में 6 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, दरोगा का तो 26 दिसंबर पहले ही से डेट निर्धारित है, जिसमें ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है उसको रविवार को रखा जाएगा और जिसमें कम फॉर्म फिलअप है 20 से 50,000 या 1 लाख तक है उसको दूसरे डेट में भी मंगल बुधवार को भी एग्जाम लिया जा सकता है। और अगर आप सीडीपीओ बीपीएससी की बेहतर तैयारी करना चाहते तो इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। अब एग्जाम का डेट भी बढ़ गया है।